यहाँ के जो महानगर मंत्री विकास गौरा वो पैसों में बिक चुका है, मेरा घर पैसों में बिक चुका है। चेहरे पर उनके आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहनाइए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट, आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शिवदेलागू। मैं अध्यक्ष पद के रहते हुए फॉर्म भरने जा रहा हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, एबीवीपी से भागी होकर मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ, क्योंकि एबीवीपी यहाँ के जो महानगर मंत्री विकास गौरा वो पैसों में बिक चुका है, मेरा घर पैसों में बिक चुका है। मैं 3 वर्ष से इस संगठन में कार्य कर रहा था लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया पार्टी में, आज मैं निर्दलीय फॉर्म अध्यक्ष हेतु भर रहा हूँ। मैं मुद्दों को लेकर, जैसे मैं पहली बार यहाँ कॉलेज में आया था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ कैंटीन की हालत है, गेम्स की हालत है, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता था, उसको लेकर मैं बड़ा प्रदर्शन करूंगा। और आज अध्यक्ष बनने के बाद में मेरी यही इच्छा रहेगी कि इस महाविद्यालय के पूरे परिसर का वातावरण चेंज करूंगा। हाँ, मैं एबीवीपी से बागी हो गया हूँ। राजेश चौधरी अध्यक्ष पद हेतु पूरा है जी, हमारे एक उपाध्यक्ष है लेकिन वो थोड़ी देर बाद में नामांकन भरने आएंगे। क्या नाम है उपाध्यक्ष? उनका नाम सौरभ सोमवाल। आप कहाँ से हैं और कौन सी है? मैं अरमाड़ा से हूँ, MA प्रीवियस ईयर से। नाम बता। राजेश चौधरी अध्यक्ष पद हेतु। ये गवर्नमेंट कॉलेज जो है अपना सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, उसमें हमारे राजेश चौधरी जी खड़े हुए हैं अध्यक्ष पद हेतु, तो इनको हमारी पार्टी RLP ने इनको समर्थन दिया है। ये निर्दलीय के रूप में है और इन्होंने बहुत काम किया है, पिछले 1.5-2 साल से लगे हुए थे, इनको टिकट नहीं दिया गया लेकिन इन्होंने ये फैसला किया कि भाई मेरे को चुनाव लड़ना है, तो इनको जो है RLP पार्टी ने पूर्ण समर्थन दिया है। तन मन धन सब इन लोग इनके साथ हैं और ये 100% सबसे बड़ा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का, और यहाँ से RLP ये सीट निकाल कर रहेगी। चुनाव कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली गई है? ये रैली हमने राम भवन से स्टार्ट करी है, ये रैली यहाँ से राम भवन से होती हुई सावित्री कॉलेज होती हुई अपने ये कचेरी रोड होती हुई गवर्नमेंट कॉलेज जाएगी, वहाँ पर हम इनका जो है स्वागत करेंगे। अभी वो फॉर्म वगैरह भरा है वहाँ पे, उसके उपरांत जो है 4 दिन हम प्रचार प्रसार में लगे रहेंगे और बेनीवाल जी ने भी इनको आशीर्वाद दिया है, ये लोग कल गए थे वहाँ पर, हमारे RLP चीफ बेनीवाल जी ने भी इनको आशीर्वाद दिया है, भगवान चाहेगा तो ये 100% जीतेंगे। मेरा इख्तियार खान अल्पसंख्यक, कितनी संख्या में युवा हैं अभी? ये मान के चलो कम से कम मुझे लग रहा है 600 लड़के साथ में हमारे।